हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ुहैर रब्बानी व्लॉग्स। आज हम बना रहे हैं मुर्ग मुसल्लम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसके लिए हमें ज़रूरत है 1 kg चिकन, जिसको हमने क्लीन कर लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चिरौंजी जिसको बाद में पाउडर बनाना है, 1/4 कप दही, काजू और बादाम, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 चम्मच गरी का पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 3 चम्मच देसी घी, 2 प्याज जिसको हमने फ्राई कर लिया है पहले से, ज़ाफ़रान, 3 अंडे जिसको बॉईल करके जिसके छिलके हमने उतार लिए हैं, चिरंजी और गरी को हमको पाउडर को हल्के हल्के भून के इसको एक फाइन पेस्ट बनाना है। इसको हमने हल्का हल्का भून के चिरौंजी और गरी दोनों को, देखिए हमने भून लिया है 2-2 मिनट के लिए, और इसको मिक्सर ग्राइंडर में एक ग्राइंड कर लेना है पानी के साथ। अब इसमें हमने 1/2 अनियन ले लिया है, 2 अनियन हमने फ्राई की थी जिसमें से 1/2 अनियन हमने ले लिया है, ये देखिए 1/2 इसको बचा दिया, और जो काजू और बादाम लिया था उसको हमने इसमें डाल दिया, ये देखिए चिरौंजी गरी काजू बादाम और प्याज। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। ये चिकन लिया, अब चिकन में हमको क्या करना है, चाकू की मदद से या कांटे की मदद से हम इसको प्रिक कर देंगे, जिससे मसाले जो भी डालेंगे अच्छे से इसमें चले जाएं। ये देखिए सब हमने इसको अच्छे से प्रिक कर दिया, ये देखिए कितने अच्छे से, ये देखिए ये ग्राइंड किए हुए मसाले जिसको पेस्ट फाइन पेस्ट बनाया था अच्छे से इस पर लगा दिया। अब क्या करना है, ये जो दही थी इस पर दही डाल दिया, दही के बाद धनिया पाउडर ऐड किया, धनिया पाउडर के बाद ये गरम मसाला ऐड किया, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे मसालों को एक साथ डालने के बाद अच्छे से इसको मिला देंगे अंदर बाहर दोनों साइड। ये देखिए जिस तरह से हम इसको लगा रहे हैं, अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। इसमें अब थोड़ा ज़ाफ़रान डाल रहे हैं, ज़ाफ़रान से इसका कलर भी अच्छा आएगा, आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। दोनों साइड ज़ाफ़रान डालेंगे। अब मैरिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमें स्टफिंग की बारी आई। अब ये ड्राई फ्रूट्स जो बचे थे इसको हमने 1 चम्मच घी में फ्राई कर लिए थे, अब हम इसमें बॉइल्ड एग, बादाम और फ्राइड अनियन से
इसको फिल करेंगे। ये देखिए एग, उसके बाद ये अनियन डाल रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, फिर ये दूसरा अंडा डाला। अच्छे से इसको दबा के ताकि ये बाहर नहीं आने पाए, थोड़ी सी फिर प्याज और ये ड्राई फ्रूट्स। अब इसको अच्छे से दबा के डालने के बाद कहीं ये बाहर नहीं आ जाए इसलिए इसको अच्छे से अंदर डाल दिया। अब इसको हमें क्या करना है, इसकी दोनों टांगों को, लेग पी को हमको धागे से बांध देना है और इसके बाहर को क्या करना है, जहाँ पे हमने अंडा रखा है वहाँ पे टूथपिक से कवर कर दे लगा देना है, टूथपिक लगा देंगे जिससे बाहर नहीं आने पाए। आप चाहें तो धागे से भी इसको बांध सकते हैं लेकिन टूथपिक लगा देंगे तो भी ठीक रहेगा। और दोनों लेग को आप धागे से बांध दीजिए जैसे हमने ये बांधा है। ये मेरा कंप्लीट है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, नहीं तो 10 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख देना है। ये कंप्लीट है, उसके बाद अब हम कुकिंग करेंगे इसकी। ये हमने इसको फ्रीज़र में रख दिए हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब कुकिंग की बारी आती है। इसको मक्खन में बना सकते हैं या देशी घी में, ऑयल में इसको नहीं बनाइए, ये हम देशी घी में बना रहे हैं। आप चाहें तो मक्खन या देशी घी में ही बनाइए। ये देशी घी ले लिया, अब डाला इसमें अब हम ऊपर से थोड़ा सा जाफरन और डालेंगे। कितना प्यारा ये कलर आ रहा है जाफरान से की वजह से। अब इसको कवर कर देंगे। इसको बनाने में टोटल 45 मिनट लगता है, हम 15 मिनट के बाद इसको फ्लिप कर देंगे, फिर 15 मिनट के बाद दूसरे साइड से फ्लिप कर देंगे। इस तरह करते करते 15 मिनट के बाद हम इसको चेक फ्लिप कर देंगे। उसके बाद ये हमारा फिर बीच बीच में दो बार और इसको पलट के देंगे। ये 15 मिनट मेरा कंप्लीट हो गया था तो हम इसको 15 मिनट के बाद ये देखिए बेहतर है दो चीज़ को पकड़ के इसको आप करिए, नहीं तो ये टूटने का डर रहता है। लेकिन हाँ मेरे 40 मिनट से ज़्यादा ये हो गया है, अब ये हमारा लगभग कंप्लीट होने पे है। लगभग 45 मिनट में ये मुकम्मल हो जाएगा। ये मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आइए इसकी प्रिपरेशन करते हैं, सर्व करते हैं। इसके बचे मसालों को थोड़ा किनारे कर देते हैं, किनारे किनारे डाल देते हैं, इसको गार्निश कर देते हैं काजू से, बादाम से। ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अपने घरों में ज़रूर ट्राई करिएगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी।